अभी आज जो है नेक्स्ट है श्री बलराम रस यात्रा और कृष्ण वसंत रस यात्रा। तो जो बलराम रस यात्रा है इसके विषय में बताया गया है शास्त्रों में कि जब भगवान कृष्ण और बलराम द्वारका चले गए थे तो उसके बाद गोपियों को बहुत ज्यादा विरह महसूस हो रहा था। तो बलराम जी 2 महीने के लिए वृंदावन आते हैं, ये 10th कैंटो में मेंशन है। तो ये 2 महीना जो भगवान बिताते हैं वो यही समय बिताते हैं, चैत्र और वैशाख, ये 2 महीना वो बिताते हैं वृंदावन में। और इस दौरान बलराम अपने गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। बलराम जी रासलीला करते हैं लेकिन वो गोपियां कृष्ण की गोपियां नहीं है, कृष्ण के अलग सेट ऑफ गोपियां हैं और बलराम जी की अलग सेट ऑफ गोपियां हैं, उनके साथ रासलीला करते हैं। इसीलिए ये आज का दिन जो है ये पूर्णिमा है, इसको बलराम रस यात्रा कहते हैं। और आज के दिन कृष्ण भी अपनी वसंत रास करते हैं। भगवान तो बहुत रासलीला करते हैं, हरि जी रासलीला है उनकी तो, लेकिन 2 बहुत फेमस है। एक है जो शरद रस यात्रा हम मनाते हैं शरद पूर्णिमा के दिन, और एक है आज वसंत रस यात्रा। तो ये आज के दिन भी जो है ये कृष्ण की भी रासलीला हुई थी ये वसंत ऋतु में, जो ये ऋतु में, तो इसलिए ये रासलीला भी इसको भी सेलिब्रेट करते हैं। और बोलते हैं कई लोग आज के दिन भी जो हम खीर चढ़ाते हैं हम रखते हैं शरद पूर्णिमा के दिन, आज के दिन भी कई लोग रखते हैं ऐसा भगवान को ऑफर करने के लिए।